Good afternoon, one and all present here. Sir, my name is Vilkis Banu. I am a Hindi teacher in MS Roma. So, I am going to present MS Roma. So, first of all, I am going to start from this model. So, we will teach the children that Roman number. Roman number is a lot of confusion, as we all know that. So, we will teach the children that जो इंडस्ट्रीज होते हैं रिवर में उसके पानी में हम रेन वाटर में फेंक देते हैं इस वजह से वाटर जो है वन के पहले क्या आता है जीरो ओके नेक्स्ट आफ्टर टू सेवन से पहले बिफोर सिक्स आफ्टर एट या लेते हैं हमारे यानी फेफड़े में जाते हैं फेफड़े किस शेप का होता है एक तो वो फेफड़े का शेप पहचान लेंगे फिर इसके बाद जब सांस अंदर आते हैं ब्रीद इन छाने छिछा और ब्रीद आउट फुला यानी इस तरह बच्चे को दिखा कर भी हम उसको पहचान सिंपली बनाए हैं ताकि यूँ आता है सुन से क्लास में या क्लास ठीक तक के लिए एक उर्दू का है होप से अल्फाज तो हम एक ऐसे होप बना सकते जैसे कि खे वाओ रे खे वाओ फे आ जाते हैं मतलब खो खो खे वाओ फे खो और ऐसे शीन वाओ रे शोर ऐसे हम इजीली बच्चों को खुरुख खुरुख बना सकते हैं रेमिंग वर्ड्स है इसमें जिसके रेड कैट रेमिंग वर्ड्स फैट हैन इसके तो हम बच्चों को रेमिंग वर्ड्स बता सकते हैं कैन मैन फैन वैन ऐसे बैड बैड डैड सैड हेड ऐसे कैप गैप लैप मैन नैन इसके तो हम ये बताएंगे रेमिंग वर्ड्स एक क्लास दिस वन इज अबाउट कलर मैजिक रिकॉग्नाइज करेंगे हम बच्चों को ये क्या दिखा है आर ई डी रेड आर ई डी रेड तो रेड कलर कैसा होता है ये हो गया रेड जी आर डबल एन ग्रीन तो बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ग्रीन कलर ऐसा होता है ऑरेंज ही ऑरेंज ऐसा कलर पी आई एन के पिंक ऐसा कलर पिंक का बी आर ओ डिफरेंट ब्राउन ब्राउन का ऐसा कलर येल्लो का ऐसा कलर तो ऐसे करके बच्चों को ये हम कलर्स के बारे में बताएंगे कलर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे आज हम पॉजिटिव वर्ड्स का कंसेप्ट इस चैप्टर कर सकते हैं पर्स ऑफ प्लांट्स और पॉजिटिव वर्ड्स का कंसेप्ट है जैसे कि पर्स ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स और पर्स ऑफ प्लांट्स इसका कंसेप्ट पूरे इस चैप्टर हम तैयार कर सकते हैं बच्चों को जैसे कि ब्लैक है और व्हाइट ब्लैक का व्हाइट आ गया डे का या नाइट आ गया शिक्षक शिक्षक सभी को इस अपने को करता मैं नजीर अहमद हिंदी अध्यापक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सटा चश्मा हमारे टीएलएम हिंदी टीएलएम बच्चों के लिए तीन अक्षरों वाले शब्द इसमें हम दो अक्षर तीन अक्षर या चार अक्षर पांच अक्षर इस तक उनको जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो सिखा सकते हैं जैसे कि का है और मा ला कमल और यहाँ पर मा ला जमल इस तरह सा मा या समय इस तरह उनको तीन अक्षरों वाले हम शब्द सिखा सकते हैं बहुत ज्यादा तो हिंदी कहेंगे सर इसमें थ्री लेटर हम इसको कहीं पे भी रखेगा तो ये सारा इस पे डायगोनल पे ये सब बराबर आ जाएगा सर जैसे कि 64 75 86 इन सब को इन तीनों को आप प्लस करेंगे या यहाँ पे दे लो 56 45 67 इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये भी डायगोनल में बराबर आएगा ये तीनों बराबर आएगा ये हम फोर फिफ्थ को सिखा सकते सर और इसमें क्रॉस में दोनों साथ आएगा सर जैसे कि आप 65, 56, 47 इन तीनों को जमा करके ये तीनों जमा करेंगे तो दोनों साइड से बराबर आएगा आप कहीं पे भी ले लो सर आप यहाँ पे मैजिक है आप कहीं पे भी ले लो सर आप यहाँ पे ले लो ये तीनों ऐड करो डायगोनल देखिए इस तरह बराबर आएगा सर जहाँ पे भी आप ले जाओ को आराम से सिखा सकते हैं सर जैसे कि 4 1 4
यहां पे 4 2 जा 8 इस तरफ 4 3 जा 12 इस तरफ 4 4 जा 16 इस तरफ हम उनको मल्टीप्लिकेशन का सर हां सर इसमें 4 का अब 2 का भी बना और 3 का भी कर सर ये सर और ये सर इंग्लिश का एक तो इसमें हम सिखा सकते सर वीक का नाम जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उनको इसके बाद है जो एमएस का तो रिस्पॉन्सिव हूँ माशाल्लाह ये सैटरडे बच्चों के लिए बनाया हुआ है काउंट एंड राइट पहले जीरो में तो कुछ भी नहीं आता है ये दिखाएंगे कि बच्चों को जीरो में कुछ भी नहीं है जीरो मतलब खाली उसके बाद वन वन में हम ये निकालेंगे फिर बच्चों को बोलेंगे ये क्या है वो बोलेंगे वन उसके बाद हमें ये काउंट करवाना है वन टू इसके बाद ये काउंट करवाना है ये कितने स्टार्स है वन टू ये सर प्राइमरी बच्चों के लिए बनाया हुआ है के जी बच्चों के लिए उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन बनाया हुआ है मैथ्स का ही इसमें हमें पहले ऊपर लिखना है मैं एंड माय कोलीग दिस इज आबिदा खानम वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर फ्रॉम एमएस गटो तो यहाँ पे बताया मैडम ने कि इस पे काउंटिंग हो सकती है इसमें प्लस माइनस भी हो सकती है वी कैन ऐड द नंबर्स हियर फॉर एग्जांपल इफ वी हैड टू ऐड 3 प्लस 2 देन वी कैन ऐड दिस 3 इन दिस बॉक्स एंड दिस 2 देन वी कैन काउंट द नंबर्स हियर 1 2 3 4 5 सो वी कैन सॉल्व द एडिशन हियर एंड ऑल्सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द थिंग्स हियर फॉर एग्जाम्पल वी हैड टू सब्ट्रैक्ट हियर इज फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 नंबर्स This is what we have 4 numbers. If we tell the students to subtract 2 numbers from here, then the student can understand easily that 2 minus 2 is 2. So this is all about this thing. And about this is what we can teach the students about things. Because basic important thing is that our students are unable to speak in English is they are unacquainted with the grammar rules. For example, this is just I have made a sample vocabulary is here. I will tell about that. This is what we have pronouns. For example, student didn't know about pronouns. Then they can easily find how many pronouns are there. For example, this is first person singular. So they will take size. So if they had to make a sentence correctly, what will be the helping word there? So they can check this is they, this is she, this is he, this is we, this is them. So if we have to make the sentence in present continuous, then the student will put this M in this box so they can easily repeat the sentence also and they can make a sentence very simply. For example, I am singing. The students can easily make this sentence, I am singing. If we ask the student to make a sentence in past form, then the student will remove this and will put this past here. I was singing. In the past, first person continuous. If we tell the student to try third person singular, the student will try this he. For example, if the speaker of the or the person is third person male, then he will try this he. So if it is continuous tense, present continuous tense, then the student will make this sentence. He is reading. So easily we can teach the students how to make sentences in present continuous, past continuous, or we can also add how to make in future continuous. Similarly, all other past perfect, past present perfect, all the other sentences can be easily made through this chart, through this TLM. So this is all about this TLM. And one other material I have is that this is word bank. The students can easily find, if we tell the students to show a particular word from this box, then the student will search for it and they will say. Otherwise, we can also make the students to know this is banana, for example, banana.
if we tell the students what is banana. So we can also put the picture of banana here also, but because of due to short of time, I didn't put that thing here. So yeah, because actually these all things, the important thing is we have to apply in actual classrooms. So we are showing here as a sample here. So all about this. Thank you. Respected chief guest, judgment sahiban, aur mukhtalif schoolon se tashreef laaye hue asatiza kiram, assalamu alaikum. Sabse pehle main in aziz mehmanon ka jinab hai Mr. Muhammad Ali Tabassum sahib aur Asid Amir sahib ka bahut tahedil se mashkoor aur mamnoon hoon ki unhone apni وقتوں میں سے وقت نکال کر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں اس لیے بہت بہت شکریہ یہ جو TLM میلا 2024 آج منعقد کیا گیا اس میں آپ میڈل سکول جو ہیں تین نے شرکت کی اور پرائمری سکول تین نے باقی انفارچونیٹلی یہاں دو تین سکول نہیں آئے یہ ہمارا بدقسمتی ہے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے ایم ایس گٹو کے ٹیچر آصف ہاشم کو کہ آپ یہاں آ کر اپنا سارا خیالات پیش کریں respected senior teachers as a judge Mr. Muhammad Ali Tabassum and also and Headmaster MS Marpothang and all the participants who are present here from various different schools. I will just express few words here and I will first of all I would like to thank MS Marpothang, President Marpothang to conduct such a wonderful program here. मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा कि जो टैलेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बहुत अच्छे तरह हर स्कूल ने अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी आर मेकिंग मेनी फॉरम्स टीचर फॉरम्स टीचर एसोसिएशंस एंड अदर कमिटीज especially on district level and also on block level. We are always criticizing others that we are not doing this thing, that thing. Lekin jab karne pe aata hai, hamari teacher sahiban actually participate nahi karta hai. Hum kehte hain ki hamare schools mein ye change hona chahiye, students ko ye milna chahiye. Lekin jab apne baari aate hai, we are escapist. Hum bhag jate hai, responsibility se bhag jate hai. तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए हमारे पास अभी बहुत से फंड आते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है दे प्रोवाइड इवन फंड फॉर TLM दे हैव प्रोवाइडेड 3000 फॉर ईच MS स्कूल्स एंड 2000 और 2500 फॉर PS स्कूल तो उनको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और दूसरे तरफ से यहाँ पे हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो भी वहाँ आदम नहीं करते कि आपको ये करना है और उसका कंसिक्वेंस क्या करना है वो नहीं देखते अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहे तो उसके लिए भी वही कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उसके लिए भी वही यहाँ पे लेट कर जाते हैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं उठाते क्योंकि कोई एक्शन होता ही नहीं यहाँ से अगर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए कि क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अगर कोई नहीं आ रहा है आप वहाँ से ऑर्डर निकाल रहे हैं आप कोई कंडक्ट नहीं कर रहे आपको फॉलो नहीं कर रहे तो उस पर एक्शन होना चाहिए ये नहीं होता है हर चीज़ में सिर्फ इसमें नहीं किया हर चीज़ में स्कूलों पर टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर आ रहे हैं तो टेलर को यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बच्चे कुछ सीख रहे हैं नहीं हो रहे कोई देखने वाला है हमारे यहाँ पर नहीं है और तीसरी चीज़ है हम लिहाज ज़्यादा करते हैं हमारे स्कूल डिफंक्शन होने का एक रीज़न है लिहाज ज़्यादा करते हैं हेड मास्टर का भी वही वैल्यू है एक टीचर का भी वही वैल्यू है हेड मास्टर भी लिहाज करते हैं दूसरे भी लिहाज करते हैं लिहाज कुछ चीज़ों में ज़रूरी है अगर किसी को मजबूरी हो उस वक्त लिहाज करना है लेकिन
एक ऑर्डर यहाँ से आप हेडमास्टर दे रहे हैं, वहाँ फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पर भी लिहाज कर रहे, तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हमें दिखाना पड़ेंगे ताकि स्कूल अच्छे से चल पड़े। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी हमारे एम एस पी है, ये माथोटॉम्पे सेंटर जो है, हर चीज़ यहाँ पर वो कंडक्ट करता है, चाहे एन एम हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, या कोई वहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल यू डेज का प्रोग्राम होता है या बहुत से प्रोग्राम होते हैं, वो लोग बखूबी वहाँ से यहाँ से 10 बार 15 बार ये लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आप लोगों को आना है, फिर भी हम फॉलो नहीं करते, ये तो हमारी बदकस्मती है। तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना जहमत किया यहाँ पर, आप लोगों ने इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हमें यहाँ पर मेटर रखने के लिए, यहाँ पर कमरे निकाले, और आपने यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग मेरे से सीनियर है, आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, हमारे स्कूल में क्या तब्दीली आना चाहिए, वो हम सबको बखूबी मालूम है, लेकिन यही चीज़ कमजोरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, बस हमारे स्कूलों में यही कमजोरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर एस्केपिस्ट, हाँ वी एस्केप फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी डिडंट रिकॉग्नाइज व्हाट वी हैड टू डू इन आवर स्कूल्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, जहाँ भी तआवुन की ज़रूरत है हर स्कूल को, हमारे यहाँ पे हमने कई बार मीटिंग भी किया और उसमें डिस्कस भी किया कि हम टीएचजी लेवल पे बहुत प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी तक यही कंडक्ट नहीं हुआ। एक बार मुझे पता है यहाँ पे एक क्विज का कंपटीशन हुआ था, फिर उसके बाद बाहर ही दिया था कि उसके बाद दूसरा स्कूल करेंगे, फिर तीसरे स्कूल करेंगे, लेकिन किया नहीं, करता नहीं, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं कि ये करेंगे, लेकिन करने पे आते तो करता नहीं है। अगर अपने बच्चों को आगे लाना है तो हमें फील्ड में ग्राउंड लेवल पे आके इन चीज़ों को समझना है और उस पर बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है, बाहर पेड़ की बातें करना। अभी जो हमारे एसोसिएशन बना हुआ है, बहुत से क्रिटिसाइज होते हैं, ये भी करिए, जब मीटिंग को बुलाते हैं तो 5 टीचर पहुँच जाते हैं वहाँ पर, तो ऐसे चीज़ हमारे खामियां हैं, जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो जो करने वालों को क्रिटिसाइज नहीं, कम से कम क्रिटिसाइज मत करो, उनको तआवुन करो, कम से कम आप नहीं आ सकते तो जो कर रहे हो बोलो कि अच्छा कर रहे, कौन के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे जहन में रहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपने कामों को अंजाम दें। बाकी जज साहिबा इतना दूर से आया है, उनका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेस्पेक्टेड अली इमामत एच एम एम एस जुम्मा एज ए जज गुना मरपोतांग हेडमास्टर सर, बाकी अंतम मुख्तलिफ स्कूल के नास्टी स्कूल में रिप्रजेंट बखन टीचर अलैकुम। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स शायद भी अंदा 2004 या लागू सौ सीनियर टीचर लागू कि उस वक़्त दे जाना माचा अली मामा वक़्त भी था जना दे जाना 2004 में शुरू हुआ था असल में मगर दक्षा साहब कहना मैं तक कामयाब बिल्कुल बच रहे नरम बहुत से ये नहीं बोलता कि मेहनत दे दसन जी कहना देखता ना मतलब हर एक स्कूल ने मैं स्कूल में सख्त मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया है मन गतम फेल गए थे गतम टीचर उन फेल कहाँ हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए छाने दी के नहरा दी तेले मुझे के नहरा चीज चार चीज में छुपा हुआ है ना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड स्किल्स दी चीज मेरा बस दिया होता है पूरा इसी में है छाने दिया हूँ गतम कामयाब माशा इम्प्लीमेंट बा फून हम अच्छा मैं नहरा दसा तुस मैं फून खरे जरा तेल में तुझे मतलब इतना उनको फैसिलिटीज है तेल में क्या पैसा आता है मगर मत चो चुप पाओ मैं खुआ चो मैं छा नहरा दी तेल में बारे में अच्छी चिंता की कम जी जाता था देखा आखिरी बच्चे देख खाशा छुई छुजबाई ला लेन सर की छिक्स पाई दिखा छा ना मत दिखे ना साफ था जिसे ना बोर्ड दिखा दो ही देना मतलब वो पानी के बुलबुले की तरह है वो खत्म होने वाला चीज़ मैं नहीं कह रहा एक घंटा मैं आता हूँ या लेक्चर खा रहा चाहे इंग्लिश के तो मैथियाँ तो उर्दियाँ तो हिस्ट्री में दे दो या जोग्राफी में दे दो साइंस में दे दो स्पीच तक बोला चीज देना वो छुई छुसबा यानी वो पानी का बुलबुला कठिन चीज वजह को छोचे खत्म दे देना लेकिन लगलें शेर की थिक्स बात जो आज आप लोग नहाते मैं जो समझे जाना जी पहले मुझे समझ गई
व्यू अगर फिर भी पता हूँ गिलास तो बच्चे के हाथ दे देगा तो ना ये खत्म होने वाला चीज नहीं है, ये कंक्रीट में बच्चे गिलास का कंसेप्ट उसको जेन होता गया। शाने मेन चीज कर रहा डेटा टेलम प्रोग्राम भी कर रहा हूँ संभाल था ना कहते गलत सब से मैंने बस बोल दे रहा तो जी दो तीन दिन में मैं टेलम मेले युद्ध से हम सब एक्टिव हो गया हमारा हुआ था टीचर का मैं बिल्कुल खुश हो गया तीन दिन रखा है ना ये सब हमें पता नहीं देगा है मैंने क्यों आते स्टेप ना ले लेना मेहरबान सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में वक्त निकाल कर एक एहसास जिम्मेदारी समझ कर यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हिस्सा लिया ये बहुत बड़ी बात है। आप सब छोटे हैं अभी उम्र के लिहाज से भी और सर्विस के लिहाज से भी तालिबान शायद मुझसे सब छोटे हैं। मैं चंद चीज़ें आपको गुजार करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जब हम तारीख इस्लाम का मुतालिया करते हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये ऐसा हदीस है जो सुनहरी हरफों से लिखकर अपने पास रखने की जरूरत है। क्या जर्बना तअल्लिमुसाअतन अगर हम एक बच्चे को एक घंटा अगर हम पढ़ाएंगे देखो तालीम कितनी अहमियत है वल्लाह हम समझते नहीं है। अगर एक घंटा किसी बच्चे को तालीम दे देंगे खैरु मिन अल्फ सना बेहतर है बहुत आला दर्जा है किससे कायमु बिललैल वसायमु बिन्नहार रात भर आप नमाज पढ़ते रहेंगे नमाज इशा पढ़ेंगे दिन भर आप रोजे रखेंगे वो भी कितना एक साल तक इबादत गुजार आबिद से बेहतर है एक घंटा किसी बच्चे को पढ़ा कितनी बड़ी बात है अगर हम इस पर सोचेंगे ना क्योंकि हम हमेशा हर रोज कम से कम दो तीन घंटा हम अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं हम कितने खुश नसीब हैं नाता अती पेशे का इंतहा नसीहत है ना मैं तुम सिर्फ चार साल ही बाकी ज़्यादा नहीं है कभी भी अपने पेशे से आप लोग मायूस नहीं हो तो खुदा इम्तहान जी दर नते संबदा मोशिन धरे दौर पूछियो सदी आपकी सदी है इंतहा जवान होंगी सदी दरे मना मोमो मतपुल चीज़ हो तो रायन मना बिल्कुल मना एक सो मना मैं मामूली टीचर सी खुदा कसम दियूस खुश खुरा मन है अच्छी बस इंजर बना खुली का खुश मन मोत अपसे ओ खुदा जरिए हम उधर लियाकत काबिलियत उधर जरिए हम उधर कैपेसिटी नियुक्त पर खुदा जरा टीचर जरे मीन तफसीरा माशिरे हम तंस तो उस मन दिया गास खाम मुबारक बात तरह मसला गति दिया टीचर खाची मना जो फर्स्ट सेकंड सेम में नस मतलब कोई कॉन्फ्रेंस लेवल में था वो तो मसल जंबा का टीचर को सट्टा गटो दुनी मतलब मन एंता अल्हम्दुलिल्लाह को में एंता सरमाया इन एंती देना एबिलिटी देना काबिलियत को अगर धरे नते अब सरमोल से स्कूल एंड तो इंप्लीमेंट कर तो माना इंशाल्लाह अजीम सी बेहतर इससे ज्यादा और क्या अच्छा हुआ। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह जो आपने बेहतरीन तरीके से दिखा एंतस प्रेजेंटेशन की कस्टेंस एंती हुनर एंती खुदा चंद जयंती हुनरता उसे तो काबिलियत दो लियाकत दो मुबारकबाद जरूरत की थी स्कूल किस बोला मिसाल मेडल स्कूल मरपोथंग को ए प्लस और सुख कहते धीरे 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 नैनो को अच्छा दिया उस पर जी से लेकर से नहीं से रहे यहाँ दर मेडल स्कूल लूंगा को ए म्यूसुक लिहाजा दी जिसको अच्छा दिया नो को सिलेक्ट बसे चेयर से बड़ा अच्छा दिया नो रानी की हकीकत को हुकम के दिल से पूछ जो है शीरो तीशा वो संग गिरा है जिंदगी चंगी आखिरी इस तरह यंता दी दिया क्या जवान था मुझे धरा सुस तालीम को अगर अधोरा का तो जख से होना खुदा कसम रहे जहाँ जुलम बसी तहाँ यंता जवान को अगर किसी का 10 साल तक अभी सर्विस अगर है किसी का अगर 7 साल अगर सर्विस है अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसने अपने ऊपर जुल्म किया है